नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पबई को जिला बनाने के लिए पिछले महीनों भर सुग आहट शुरू हो गई थी। इसके लिए क्षेत्रीय नेता और युवाओं द्वारा क्षेत्रीय संघर्ष मोर्चा भी बनाया गया। दिवस रविवार को मां कलेही मंदिर प्रांगण में युवाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में संकल्प लिया गया था कि पबई शाहनगर सिमरिया रेपुरा क्षेत्र से जुड़े लोगों को जागरूक कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और पबई को जिला बनाने की मुहिम को बुलंद किया जाएगा। विदित हो कि पबई विधानसभा का भौगोलिक क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली की 40 विधानसभा सीटों के बराबर है और यह क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है एवं पन्ना जिला और कटनी जिले के बीचों बीच स्थित है। बैठक में मोर्चा सदस्यों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पबई को बनाए जिला, पबई की जरूरत विकास में पिछड़ापन दूर करने के लिए पबई को जिला बनाया जाए, समय की मांग बताई। अगली बैठक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुआताल में 24 जनवरी को आयोजित होगी। इसलिए सभी लोगों को सोचना और समझना है कि इस पर विचार करें सभी लोग। और दूसरी विचार ये भी आया है कि कमेटी दो प्रकार की हो, एक जिला पबई जिला बनाओ अभियान समिति जो संचालक नहीं हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को सोचना और समझना है कि इस पर विचार करें सभी लोग। और दूसरी विचार ये भी आया है कि कमेटी दो प्रकार की हो, एक जिला पबई जिला बनाओ अभियान समिति जो पबई तहसील को जिला घोषित कराए जाने की मांग को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? हमारा पबई क्षेत्र बहुत पिछड़ा एरिया है, माने बहुत पिछड़ा एरिया है बुंदेलखंड का सबसे, लेकिन पबई तहसील पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील के रूप में है और इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि जो जिला आज पन्ना है, पन्ना से 160 किलोमीटर दूर हरदुआ खमरिया, इधर पुरैना सायनगर के इधर कलदा, ये कम से कम पन्ना से जो 160 किलोमीटर 140 किलोमीटर की दूरी है और रास्ता भी उतने अच्छे नहीं है। वर्तमान सरकार में बनाए हैं, परंतु इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पबई को जिला बनाया जाए और क्योंकि जिससे इस क्षेत्र का विकास समुचित विकास चारों ओर से हो सके। पबई क्षेत्र ने ठाना है पबई को जिला बनाना है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हम अब इसके बाद 24/1 माने जनवरी में माँ कंकाली के सिमरिया क्षेत्र में एक विशाल वहाँ भी एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें वहाँ संघर्ष समिति का निर्माण होगा और भी जिला की संघर्ष समिति बनेगी। इसके बाद हर ब्लॉक स्तर पर, माने जिसको हम लोग कमेटी से ब्लॉक बनाएंगे, कम से कम 10 वहाँ पे कमेटियाँ बनेंगी और वो कमेटी पूरे क्षेत्र में संघर्ष करेगी अपने अपने क्षेत्र में और जिससे संघर्ष बहुत ज़्यादा जुझारू संघर्ष होगा। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए पबई से संवाददाता मोहम्मद शफी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।